वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जाम। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि फाइनल ईयर के एग्जाम भी नहीं होंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको एक एक बात बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये नोटिस आया 9 जुलाई 2020 का है कि मेंशन मॉडेलिटी शैल बी अडॉप्टेड बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट न्यूज है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये सब COVID-19 को देखते हुए रेगुलर रीअपियर प्राइवेट डिस्टेंस एजुकेशन कैंडिडेट जो इवन सेमेस्टर या फिर ईयरली सेमेस्टर के हैं यूनिवर्सिटी में उसके बारे में है। तो एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टर्मिनल एंड इंटरमीडिएट सेमेस्टर फॉर वेरियस कोर्सेज रन बाय द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी कंडक्टेड। जो भी एग्जामिनेशन है चाहे वो फाइनल ईयर का है या फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर के हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करेगी। एंड ऑल कैंडिडेट शैल बी प्रोमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर विद 50% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड 50% वेटेज ऑफ द मार्क्स इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। 50% उनके इंटरनल एग्जामिनेशन के और 50% जो वेटेज होगी वो प्रीवियस एग्जामिनेशन के उनके लग जाएंगे और वो अगले ही सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे और किसी के भी एग्जाम नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट इज कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर रेगुलर रीअपियर कैंडिडेट। कैसे जो थ्योरी या प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे रेगुलर और रीअपियर स्टूडेंट के वो किस टाइप से होंगे ये मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। द थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइन इश्यू वाइड। ये जो जुलाई 2020 में जो गाइडलाइन इश्यू हुई थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे इवेल्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस एजुकेशन होगी यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज, द मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू कैंडिडेट फर्स्ट ईयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट। अगर मान लो कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ईयरली सिस्टम है तो उनको जो मार्क्स दिए जाएंगे असाइनमेंट के वो प्योरली क्या होंगे इंटरनल सिस्टम के बेसिस पे लगाए जाएंगे। जैसे पार्ट वन प्रोपोर्शनेट ऑफ द असाइनमेंट मार्क्स ऑफ दिन, जैसे प्रोपोर्शनेट ऑफ द असाइनमेंट 20 मार्क्स का होगा और थ्योरी मार्क्स जो होंगे वो 80 मार्क्स के, टोटल ए प्लस बी ये ग्रेड दिखाया हुआ है। द मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू द फ्रेश कैंडिडेट सेकेंड एंड थर्ड ईयर अपीयरिंग इन द फुल पेपर। ये तो हुआ फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट के लिए, फर्स्ट ईयर का क्योंकि कोई भी एग्जाम नहीं हो पाया तो उनके जो होंगे 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द जो थ्योरी एग्जाम जो इंटरनल के हुए होंगे उसके 80 और ए प्लस बी कर दिया जाएगा। बट इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट ईयर ऑफ फुल ईयर मार्क्स ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरनल असेसमेंट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ईयर बिलो मेंशन फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल पार्ट टू अगर सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स फर्स्ट AOB ये जो फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स होंगे, MA ये जो दे रखे वेटेज, IAAM ये जो होगा ये 20 मार्क्स का होगा, फिर वेटेज 30 मार्क्स का, वेटेज प्रीवियस ईयर एग्जाम, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम क्या होगा उसका 50 मार्क्स होगा, 50 प्लस 30 ये हो गए और 20 मार्क्स इंटरनल, टोटल इज 80 और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 100 होंगे। तो इस टाइप से उनकी वेटेज दी जाएगी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट ऑफ LLM, जो भी LLM के कैंडिडेट हैं ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट प्रोवाइडेड बाय द DD फेलिंग विच ही विल नॉट ट्रीटेड एज एन एब्सेंट। LLM के स्टूडेंट जो भी होते हैं, जो LLM के स्टूडेंट होंगे उनके जो मार्क्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट उनकी असाइनमेंट के बेसिस पे दी जाएगा, ही विल ट्रीटेड एज, अगर उसने असाइनमेंट नहीं दिया होगा तो उसे एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा। इन केस ऑफ LLM पार्ट टू द मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंट मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट वन, जो भी उन्होंने अगर सेकेंड ईयर में है पार्ट टू में तो उसके जो मार्क्स होंगे वो एवरेज मार्क्स होंगे और वो प्रीवियस ईयर के मार्क्स भी काउंट होंगे। इवेल्यूएशन ऑफ असाइनमेंट फॉर प्राइवेट डिस्टेंस कैंडिडेट, जो प्राइवेट या डिस्टेंस कैंडिडेट होंगे उनके लिए द रोल नंबर ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सबसे पहले उनके रोल नंबर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे रोल नंबर मिलेंगे। सिंस देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरनल असेसमेंट फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ UG कोर्सेज, उनका तो क्योंकि डिस्टेंस वाले हैं उनका कोई भी इंटरनल असेसमेंट के लिए कोई भी हमारे पास प्रोविजन नहीं है। द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट, इसलिए उन्हें हैंड रिटर्न असाइनमेंट सबमिट करनी होगी A4 पेपर पे इन इज ऑन हैंड राइटिंग, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट और उनके सब्जेक्ट वाइज पेपर जो होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे और उसके असाइनमेंट भर के उन्हें देनी होगी। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और उन्हें जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर अकॉर्डिंग टू स्कीम सिलेबस देख के अपने आप करने होंगे। डिपॉजिट असाइनमेंट इन द नोडल सेंटर ऑफ डिस्टेंस,
डिस्ट्रिक्ट जो भी उनकी नोडल सेंटर डिस्ट्रिक्ट की होगी वहां पर उन्हें असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। एंड द स्टूडेंट ऑफ LLM फर्स्ट ईयर, और सेम ऐसे ही अगर डिस्टेंस एजुकेशन में LLM फर्स्ट ईयर के हैं उन्हें भी असाइनमेंट इन द डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में सबमिट करना होगा। फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नोडल सेंटर शैल बी क्रिएटेड इन डिफरेंट कॉलेजेस, जो मतलब असाइनमेंट के इवेल्यूएशन के लिए नोडल सेंटर बनाए जाएंगे और उसके लिए कोऑर्डिनेटर भी होंगे और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, क्लर्क, ये सब एम्प्लॉयर रखे जाएंगे ताकि आपके असाइनमेंट को जल्दी से जल्दी हो सके और रिजल्ट इजीली बना सके। अब इवेल्यूएशन ऑफ मार्क फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, अगर मान लो कोई प्राइवेट कैंडिडेट है, ये तो हुआ डिस्टेंस का, अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट है तो उसका प्रोपोर्शनेट ऑफ मार्क्स 20 मार्क्स वही होंगे, मार्क्स ऑब्टेंड इन असाइनमेंट 80 मार्क्स, ये तो हुआ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। और सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट सेम वैसे ही होगा, प्रोपोर्शनेट मार्क्स लिए जाएंगे पहले वाले के फर्स्ट किए, और वेटेज जो है 30 मार्क्स होंगे IIM A1 के। इस टाइप से ये क्राइटेरिया बनाया और उसके बेसिस पे उन्हें मार्क्स मिलेंगे। अब है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का रीअपियर ऑफ डिस्टेंस एंड प्राइवेट यूजी पीजी कोर्सेज कैंडिडेट, अगर कोई किसी का रीअपियर है, द मार्क्स ऑफ द रीअपियर कैंडिडेट्स विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन। वही सेम अगर मान लो कोई रीअपियर कैंडिडेट है तो उसको भी रीअपियर का पेपर नहीं देना है, उसके भी क्या होंगे प्रीवियस जो ईयर के होंगे उसके कैलकुलेट करके ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी। जैसे बी इज इक्वल टू ऑब्टेंड मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 80, ये परसेंटेज उसका फॉर्मूला होगा। तो ऑब्टेंड मार्क्स कैसे निकलेंगे, देखिए ए प्लस बी डिस्टेंस कैंडिडेट के लिए मार्क्स इन बाय डीडी लास्ट सेशन जो भी लास्ट सेशन में आए थे उसके 20 मार्क्स होंगे। एवरेज ऑब्टेंड मार्क्स इन द पेपर ऑफ एग्जामिनेशन इन पार्ट 1, 2 एंड 3 जो भी एवरेज मार्क्स होंगे उनके एग्जामिनेशन जो पार्ट 1, 2 और 3 के हुए थे उनके उन दोनों को ऐड करके वो टोटल मार्क्स हो गए, ऑप्टेन मार्क्स हो गए, और टोटल मार्क्स जितने भी होंगे जितने का पेपर हुआ होगा और मल्टीप्लाई 80 करके उनकी परसेंटेज निकलेगी। इसी टाइप से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का है, सेम ऐसे ही प्रोसीजर, और एवरेज ऑफ ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सेमेस्टर, इस टाइप से 80% मार्क्स जो होगा ऑप्टेन होंगे और उसके प्रैक्टिकल में मार्क्स लग जाएंगे। और कॉलेजेस डिपार्टमेंट शैल इवेल्यूएट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग रिपोर्ट, फील्ड वर्क, वाइवा सेमिनार एज देयर ओन इंटरनली एंड सबमिट अवार्ड टू द यूनिवर्सिटी। और सारे कॉलेजेस और जो भी डिपार्टमेंट है वो फटाफट से इसको सबमिट करेंगे और उनके मार्क्स करेंगे। द कैंडिडेट ऑफ एमटेक कोर्सेज विल सबमिट देयर डेजिटेशन, और एमटेक के स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी डेजिटेशन सबमिट करनी है ताकि उनके मार्क्स भी इवेल्यूएट करे जा सके। द गाइडलाइन ऑफ द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी शैल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल कंप्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ LLB एंड BLLB कोर्सेज, और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होंगी उन्हें देखेंगे और वो उसके हिसाब से करेंगे। और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस शैल अडॉप्ट द गाइडलाइन ऑफ इट्स रेगुलेटरी बॉडी, और फार्मास्यूटिकल साइंस के वो अपने अकॉर्डिंग इसके करेंगे। द अवार्ड ऑफ सो क्रिएटेड शैल बी मेंटेन बाय रिस्पेक्टिव रिजल्ट ब्रांचेस, और अवार्ड जो भी होंगे रिजल्ट ब्रांचेस में दे दिए जाएंगे, और ग्रेस मार्क अगर होंगे तो वो भी यूनिवर्सिटी अवार्ड कर देगी। और ये दे रखा है द कैंडिडेट ऑफ यूजी पीजी इवन डी सेमेस्टर 7 सेमेस्टर कोर्सेज हु कैन नॉट सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म ड्यू टू लॉकडाउन वी अलाउड टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी वेबसाइट बाय 10th July विद द सेम लेट फी ऑफ 5000। उन्हें 10 जुलाई तक सबमिट करनी है विद द फीस ऑफ 5000, जो लकी आज लास्ट डेट है, ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने नोटिस पहले निकाला होगा उसके बारे में है। उसके बाद इसकी सारी गाइडलाइन दे रखी हैं, ये गाइडलाइंस हैं, इतना डिस्कस करने। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपके इसके मार्क्स के बारे में एग्जैक्ट जितने भी आपके मार्क्स बनते होंगे मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि आपके कितने एवरेज मार्क्स बन सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।